ठीक है ये फोटो, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे इधर सलमान खान का फोटो लगाना और लिखना यहाँ पे कुछ तो शर्म करो सलमान, ठीक है ना। फिर से दो थंबनेल, ठीक है। अरे दीदी लेकिन ये थंबनेल पे सलमान खान का फोटो नहीं लग सकता है। क्यों? पंकज त्रिपाठी की पिक्चर है, सलमान खान को शर्म आनी चाहिए। सारा कंटेंट बनाता नहीं है। हाँ थंबनेल पे यही लिखना, कुछ तो शर्म करो। दीदी ये फिल्म का प्रोड्यूसर सलमान खान ही है। हाँ सलमान खान प्रोड्यूसर है। कैंसिल कर, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये रिव्यू डिलीट कर दो, हमको ये पोस्ट नहीं करना है। थंबनेल निकाल, थंबनेल निकालो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक, दोगलापंती। हाँ कुछ तो शर्म करो गैंग, आज तुमको शर्म कराऊंगा मेरा भाई। मैं वेट कर रहा था ये इस यूट्यूबर्स के भगवान का, जब ट्रेलर रिलीज हुआ, ये जो सो कॉल्ड नेपोटिज्म गैंग के खिलाफ, ये जो टैलेंट के सपोर्ट में है, इनका भगवान पंकज त्रिपाठी, इनका आज फिल्म का ट्रेलर आया कागज का। अब तक अगर इसका प्रोड्यूसर सलमान खान नहीं होता, अब तक बड़े बड़े थंबनेल लग जाते, सलमान खान शर्म करो, कुछ तो शर्म करो बॉलीवुड। हाँ ये लोग दोगलेपंती में नंबर वन है, एंड आज ये पूर्ण तरीके से साबित हो गया। पंकज त्रिपाठी का छोटा छोटा पिक्चर, छोटा छोटा एक वेब सीरीज भी आता है, ये सब चौड़ में आके थंबनेल लगाते हैं कुछ तो शर्म को। लेकिन आज ये सारे लोगों को मैं शर्मिंदा करूंगा, क्योंकि सलमान मेरा भाई हैज प्रोड्यूस अ फिल्म फॉर पंकज त्रिपाठी। देखिए गाइस, यहाँ पर किसी को चीख चीख कर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गाइस ये जो कांड किए इन लोगों ने जून से लेके ऑलमोस्ट सितंबर तक, ये एटलीस्ट मैं तो नहीं भूलूंगा, एंड जितने भी बॉलीवुड के फैंस हैं इनको भूलने भी नहीं दूंगा, एंड जब जब मौका मिलेगा इनको भिगो भिगो कर मारूंगा मैं। क्योंकि गाइस एसके फिल्म्स की जो शुरुआत हुई थी, जो स्थापना हुई थी, वो गाइस चिल्लर पार्टी से हुई थी। द इंटेंशन ऑफ सलमान खान टू स्टार्ट एसके वॉज टू गिव न्यू पीपल टैलेंट, एंड आज भी सलमान खान की जितनी भी फिल्में हैं, राधे में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे न्यू कमर्स है मेरा भाई। इज इंटेंशन टू स्टार्ट एसके वॉज टू गिव वर्क टू न्यू पीपल, चाहे वो चिल्लर पार्टी हो, डॉक्टर कैबी हो, या फिर बजरंगी भाईजान हो, दीज वर ऑल कंटेंट फिल्म। हाँ उसके बाद थोड़ी जो दिशा है वो थोड़ी सी भटक गई, लेकिन गाइज लव यात्री, नोटबुक, ये सारे नए लोग थे, नया टैलेंट था, राइट फ्रॉम द एक्टर्स टू द डायरेक्टर्स, एवरीबडी, इवन गाइज भारत में सारे के सारे आउटसाइडर्स को काम दिया गया था, एंड अब राधे में भी गाइज सारे के सारे आउटसाइडर्स हैं। लेकिन गाइज अब यहाँ पर आए हैं सलमान खान फिल्म्स लेकर कागज, ब्यूटीफुल ट्रेलर, लिटरली स्पीकिंग ब्यूटीफुल ट्रेलर। वो लोग जो कहते थे कि सलमान खान शर्म करो, इन लोगों ने, इसने अपना खुद का पैसा लगाकर एक फिल्म बनाई है तुम लोगों के लिए, अगर फिर भी तुम लोग अभी जागोगे नहीं मेरा भाई, तो कब जागोगे? आज हमारा दिन है मेरा भाई। सलमान खान फिल्म्स प्रेजेंट्स कागज, सलमान खान का पैसा लगा है इस फिल्म में, एंड इसमें है यूट्यूबर्स के देवता पंकज त्रिपाठी, जिसको शान से उसकी तारीफ किए जाते हैं, उनको सलमान खान ने इस फिल्म में लिया है। लिटरली द ट्रेलर इज फैंटास्टिक गाइस, एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलिए शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, कागज कहानी है एक ऐसे जीते जागते इंसान की जो कि जिंदा है, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अनुसार उसको मृत घोषित कर दिया गया है। हाँ माहौल इस तरह से हो जाता है कि ये एक सैटायरिकल कॉमेडी बन जाती है कि इंसान सामने ही जिंदा है लेकिन उसको गवर्नमेंट रजिस्टर में मार दिया गया है। किस तरह से ये अपने सम्मान के लिए, अपने मान के लिए पूरे के पूरे गांव से लड़ता है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसको डायरेक्ट किया है सतीश कौशिक ने। डायलॉग्स सच एज ये किसकी सुनेंगे, कागज की सुनेंगे या जिंदा इंसान की सुनेंगे, दिल इंसान में धड़कता है या कागज में धड़कता है, ए बाल बच्चा महरारू इंसान का होता है कागज का होता है। वेल फ्रेंड्स, काफी फनी लग रही है फिल्म ट्रेलर में देखकर, एंड गाइस यहाँ पर पंकज त्रिपाठी बैंड बजाते हैं, बैंड वाले बने हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको पता चलता है कि वो मृत घोषित कर दिए गए हैं। फिर क्या, घर पे भीड़ जम जाती है, सारे लोग आके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, और वो कहते हैं हे भैया, अरे हम कागज में मरे हैं, असली जिंदगी में नहीं मरे हैं, वो तो हमको पता है भैया तुम कागज में मरे हो, इसलिए तो कागज का फूल लाए हैं। काफी अच्छी कॉमेडी लगी मुझको। लेकिन गाइस पंकज त्रिपाठी गांव में जिस तरह से जिल्लत सहन करनी पड़ती है, जिस तरह से उनकी यहाँ पे बेइज्जती होती है, एंड यहाँ पे वो कहते हैं यहाँ पर ये धर्म युद्ध है मान के लिए सम्मान के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि पंकज त्रिपाठी को यहाँ पर एक बीवी, एक प्रेमिका, एक लवर दी गई है। क्योंकि गाइस एक जमाना था जब ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसे कि राजपाल यादव हो गया हो,
यहाँ पर संजय मिश्रा हो, इनको हीरोइंस दी जाती थी। इवन विजय राज एक जमाने में एक कोई रोमियो करके उनकी पिक्चर आई थी, रघु रोमियो, वो में प्रॉपर हीरो टाइप थे, एक ऑफ बीट फिल्म थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी पंकज त्रिपाठी को यहाँ पे हीरोइन दी गई है, काफी अच्छा दिख रहा है उनकी केमिस्ट्री उनकी बीवी के साथ। बैठे हुए यहाँ पर पूछते हैं, भैया हम अछूत है क्या? नहीं भैया आप अछूत नहीं है, आप है ना मृत है, मरे हुए हैं, भूत है। काफी कॉमेडी लगा मेरे को। लेकिन गाइस यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रेलर में गाने बहुत अच्छी तरीके से यूज किए गए हैं। यहाँ पर पूछते हैं, कोई मर गया है क्या भैया? हाँ हम मर गए हैं। सतीश कौशिक एज अ लॉयर लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बीजीएम जितने भी गाने हैं यहाँ पर, जुग जुग जियो रे भैया जी, वो काफी बेहतरीन तरीके से बजाया गया है गाइस यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सीन्स हैं वो प्रोटेस्ट के, एंड किस तरह से प्रोटेस्ट जो है पंकज त्रिपाठी करते हैं मरे हुए लोगों के साथ, सारे के सारे मृत लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन सरकारी कागजों पर मर चुके हैं। बहुत सारे जगहों पर होता है आदमी वोट देने के लिए जाता है एंड वोटिंग बूथ पे पास चलता है, अरे तू तो मरा हुआ है मेरा भाई, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ मेरा भाई। ये सब चीजें होती है गाइस इंटीरियर्स में, पता नहीं इसका क्या मोटिव है। मिता वशिष्ठ बहुत ही पुराने कलाकार है, गुलाम में भी वकील बनी थी, यहाँ पे नेता बनी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी एक्टिंग करती है। एंड गाइस लास्ट में जिस तरह से यहाँ पर वो इलेक्शन लड़ेगा, एक्शन पार्लियामेंट के सीन्स है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। बट फ्रेंड्स लेट्स सी, अभी जब ये फिल्म आती है तब आप इस फिल्म को कितना प्यार देते हो। अनफॉर्चुनेटली ये जो फिल्म है वो सिनेमाघरों में नहीं लगेगी। ये गाइज Z5 की फिल्म है ओरिजिनल, एंड ये 7 तारीख को Z5 का जो OTT प्लेटफॉर्म है वहां पर रिलीज होगी। इसमें है पंकज त्रिपाठी, सतीश कौशिक, मिता वशिष्ठ, यहाँ पर पंकज त्रिपाठी की मिसेज भी है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मुझे यहाँ पे पीपली लाइफ की याद आ गई। काफी रस्टी, काफी अधी फिल्म लग रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दिस सैटिरिकल कॉमेडी इज प्रोड्यूस्ड बाय नन अदर देन सलमान मेरा भाई। सलमान खान प्रोड्यूसिंग कंटेंट फिल्म्स, फिल्म्स विच हैव कंटेंट, विच हैव आउटसाइडर्स एंड विच हैव एक्टर्स हु डिजर्व टू गेट मोर वर्क इन द इंडस्ट्री। सलमान खान हैज ऑलवेज सपोर्टेड न्यू कमर्स, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो कोरियोग्राफर्स हो, चाहे वो साइड आर्टिस्ट हो, हमेशा सलमान खान ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं इन आर्टिस्ट लोगों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जून से लेकर सितंबर तक लोगों ने इन दरवाजों को यहाँ पर उनके मुंह पे मारा, उनके मुंह पे बंद की, उनकी बेइज्जती की। दूसरा एक्टर होता तो यहाँ पे 500 करोड़ का केस कर देता, लेकिन सलमान खान उन लोगों में से नहीं है। लेकिन गाइज उनके चाहने वाले हैं जो तुमको जवाब देना अच्छे तरीके से जानते हैं, तुम जितना बुराई करोगे हम तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे मेरा भाई, आज नहीं कल नहीं हमेशा, ये बात याद रखना। ओके गाइज, क्योंकि वो है ना सबका भाईजान है। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। अगर हाँ ट्रेलर नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए, ट्रेलर आ चुका है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।